हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, तो क्या बोला गया इसमें देख लेते हैं। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति लड़के लड़कियों तथा बच्चों के को प्रदर्शित करती है? देखिए, लड़के और लड़कियां दो अलग अलग जेंडर हैं, बट यहाँ पे अगर बच्चों की बात की जाए तो दोनों के दोनों बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेन डायग्राम ऐसा देखना है आपको जो तीनों के बीच में रिलेशन को शो कर रहा हो। तो तीनों के बीच में रिलेशन ये तीनों शो कर रहे हैं, ये किसी के बीच में रिलेशन को शो नहीं करता है, तो इसको तो कट कर देते हैं। अब इन तीनों में से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे ये वाला जो वेन डायग्राम है ये कुछ ऐसा शो कर रहा है कि सभी के सभी लड़के लड़कियां हो सकते हैं और सभी की सभी लड़कियां आपके बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों के दोनों अलग अलग जेंडर हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब ये वाला डायग्राम भी कुछ ऐसा ही सम वाली कंडीशन को शो कर रहा है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं और कुछ लड़की लड़कियां हैं, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। अब ये वाला सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को कट कर देंगे तो बचेगा यही। अब ये कैसे सही आंसर है आपका, करेक्ट आंसर कैसे है, इसको देख लेते हैं। देखिए, लड़के और लड़कियां दो अलग अलग जेंडर हैं, तो हमने इस तरीके से बना दिया, दोनों के दोनों बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी बोला जाता है कि मान लीजिए किसी से पूछा जाता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो उसमें आपका जेंडर नहीं पूछा जाता कि लड़के हैं या लड़कियां हैं, बस बच्चे पूछे गए, तो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, लड़के और लड़कियां दोनों के दोनों बच्चे हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन दिया गया है, पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक परिवार में बिजली की खपत दोगुनी हो गई है, तो इसमें निष्कर्ष क्या क्या निकल सकते हैं? ठीक है, यानी कि एक चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे कि पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार में बिजली की खपत दोगुनी हो गई है, इसके निष्कर्ष क्या क्या निकल सकते हैं? समाज में समग्र विकास हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे विकास की तो बात कहीं नहीं की गई है कि विकास हुआ है, और इसके कारण बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि खपत बढ़ने के खपत को दोगुनी होने में बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बट यहाँ पे किसी भी फैक्टर को पर्टिकुलरली बोलना ये आपका निष्कर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हो सकता था कि हो सकता है कि समाज में समग्र विकास हुआ हो, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर बन सकता है। या फिर यहाँ पे सेकंड वाला बोला गया बिजली की दर सस्ती हुई, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये दिया होता कि हो सकता है बिजली की दरें सस्ती हुई हो, इसकी वजह से दोगुना खपत हो गई है, तो ये राइट आंसर हो सकता था। तो किसी भी निष्कर्ष को 100% के साथ में बोलना गलत हो जाएगा, तो दोनों के दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कोई सा भी निष्कर्ष इनमें से नहीं निकलता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये दो क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है भिन्न आकृति कौन सी है। तो इनमें आप कैसे देखेंगे, देखिए ऑप्शन से ही करेंगे, और कैसे करना है वैसे दोनों ही क्वेश्चन सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, तो ए बी और सी डी में से कौन सा भिन्न है, एक बार ट्राई करके देखिए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है कि अगर मैं पीछे ये आपका जो एरो है इसके पीछे ये 3 है, ठीक है, ये पत्तियां जो हैं ये जो आपके कुछ भी मान लीजिए इनको ये 3 है, ठीक है, बट इसमें आए ये 4 है, 1 2 3 4, तो ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इन सभी में 3 3 है, इसमें 4 है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात कीजिए, तो 5 में आपका क्या है, देखिए ये जो आपका गोला है इसमें ये वाली लाइनें जो हैं ये कुछ अलग है, और इस वाले गोला में जो ये लाइन है ये कुछ अलग ही हो गई है, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ये भी साफ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी जिसे जो आप बिल्कुल करके आ जाएंगे। मैं आपको बस जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि भिन्न आकृति के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको जरूर करके आइएगा, छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्शन से, तो डायरेक्शन के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर चलता है और उसके बाद 10 मीटर दाईं ओर चलता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बस बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं जहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 10 मीटर किसी भी डायरेक्शन में आप इस तरीके से चल दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैटर ये नहीं करता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव करें, यहाँ पे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में कि कितनी दूरी पर आप पहुँच गए। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करना स्टार्ट कर दीजिए। 10 मीटर ने मान लीजिए आपने इस डायरेक्शन में मूव किया,
ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, 10 मीटर मूव करने के बाद में, और उसके बाद 10 मीटर दाई ओर चला, यानी कि आप राइट साइड में मुड़ जाते हैं और 10 मीटर फिर चलते हैं। तो यहाँ पे आ चुके थे आप, यहाँ से 10 मीटर मुड़ेंगे, 10 मीटर चलने के बाद में आप यहाँ पे आ चुके हैं इस पॉइंट पे। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, चला तत्पश्चात वह प्रत्येक बार बाई ओर मुड़कर क्रम 5, 15 और 15 मीटर चलता है। वह इस समय अपने प्रस्थान के स्थान से कितनी दूरी पर है, जहाँ से वो उसने स्टार्ट किया था वो कितनी दूरी पे, 5, 15। देखिए यहाँ पे बोला गया है इन्होंने 5, 15, 15, ठीक है। और हर बार कहाँ पे मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। यानी कि आपका जो हर बार मुड़ेगा लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, तो यहाँ पे वो पहुँच चुका था, पहले 5 बाईं ओर मुड़ा लेफ्ट साइड में, फिर 5, सॉरी 15 लेफ्ट साइड में मुड़ा और यहाँ तक आ चुका है, फिर उसके बाद 15 लेफ्ट साइड में मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से वो कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से वो चला था और यहाँ पे पहुँच चुका है। अब पूछा है वो अब कितनी दूरी पर है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था प्रारंभिक स्थान से, अब वो कितनी दूरी पर है। तो अगर मैं पूरी की इसकी बात करूँ, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 15 है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 10 है। तो इस वाली डिस्टेंस को अगर मैं 10 को 15 में से माइनस कर दूँ, ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी। और ये वाली डिस्टेंस कौन सी है, यही वाली डिस्टेंस ये है जो हमें निकालनी है, यानी कि यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुँच गया, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 5। तो 5 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, बस लेफ्ट राइट का ध्यान रखिएगा, बाएं दाएं का ध्यान रखिएगा। जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे आपको खुद का एज्यूम करना है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं किस डायरेक्शन में मूव करूंगा, किस डायरेक्शन में लेफ्ट लूंगा, किस डायरेक्शन में आप राइट लूंगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में तो आपका डायरेक्शन का कोई भी मैटर नहीं था, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं आपका आंसर 5 मीटर ही आता है। बट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना है, साउथ में, ठीक है, ईस्ट वेस्ट में, जो भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एनालॉगी से, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए, इससे पहले का रिलेशन क्या रहा होगा। जो भी रिलेशन यहाँ पे बना होगा वही रिलेशन आप इसके साथ में बना के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो आकृति वाली एनालॉगी है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और अलग अलग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको कि ये दो थे सबसे पहले, तो यहाँ पे एक हो गया है। दूसरा इसमें क्या चेंज हुआ है, देखिए एक जो डायरेक्शन थी आपकी इस एरो की ऊपर की तरफ थी, ठीक है, और ये दूसरे वाला जो है आपका नीचे का, मतलब इस तरीके से था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस डायरेक्शन में ये एरो है उस डायरेक्शन में ये नहीं है, कुछ चीज़ें मतलब याद रखनी है। और यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से, इसको इस तरीके से मोड़ के लिख मतलब कर दिया गया है, और इसमें जो भी चेंज हुए हैं वो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको दो बनाने हैं, इसके नेक्स्ट जो है आपका ये है, तो यहाँ पे दो होने चाहिए। ध्यान रखिएगा दो हो गए किस डायरेक्शन में, आपका जो ये एरो है ये ऊपर था तो ये भी ऊपर की तरफ ही है, ये नीचे है तो इसका मतलब यहाँ पे एक एरो नीचे होगा, ठीक है, ये एक एरो नीचे होगा। फिर दूसरा यहाँ पे इस तरीके से आपका ये बना होगा, तो आपका देख लीजिए इनमें से कौन सा होगा, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। अब अगर इसकी बात करूँ, ऊपर को है तो हट ही जाएगा, फिर नीचे को इसको देखेंगे ये भी ऊपर को हट जाएगा, ये नीचे को है, दो वाले आपको मिल गए नीचे को एरो वाले। अब इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ डी वाले ऑप्शन की, तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एरो ये वाला है और यहाँ पे ये वाला जो एरो के साइड में है, बट एरो के साइड में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ये सीधा है, यहाँ पे कोई भी डंडा इसके सामने नहीं है, तो ये भी हट जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एरो नीचे को है और नीचे को जो एरो है इसके सामने डंडा भी नहीं है, मतलब जो ऊपर वाला एरो है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कि आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है सभी कबूतर पंख हैं, तो सबसे पहले आपने कबूतर का वेन डायग्राम बनाना है और सभी के सभी कबूतर आपके पंख हो जाएंगे इस तरीके से। फिर दूसरा बोला जा रहा है सभी मैना कबूतर हैं, तो सभी के सभी मैना कबूतर हो जाएंगे कब, जब मैना कबूतर के अंदर होंगे, तो सभी के सभी मैना कबूतर आपके किस तरीके से होंगे, मैना को अंदर रख देना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे वेन डायग्राम मतलब कोई जिसने शुरू 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 किया होगा मतलब ये पढ़ना आपका स्लोगन चैप्टर, तो यहाँ पे उनको वेन डायग्राम बनाना सिर्फ ऐसा लगता है कि जो लाइन बोल दी गई उसके ऊपर को करते जाना है। जैसे सभी के सभी कबूतर बोला है तो सभी के सभी कबूतर पंख हो गए, और सभी के सभी
यहाँ पे बोला कि सभी मैना कबूतर है, तो वो इस चीज को सोचेंगे नहीं कि बोला क्या गया, इस तरीके से भी बना देते हैं। क्योंकि अभी देखा मैंने एक बच्चों एक दिन वेन डायग्राम बनाते हुए, तो इस तरीके से आपको गलतियां नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सोचिए उसके पीछे पहले बोला क्या जा रहा है। सभी मैना कबूतर है, तो सभी मैना कबूतर कब हो सकते हैं, जब सभी के सभी मैना, ये मैना हो गया आपका, और इसके ऊपर को वेन डायग्राम आपका कबूतर करेगा, तो सभी मैना कबूतर इस कंडीशन में आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपकी मतलब इस वेन डायग्राम से सेटिस्फाई हो जाएगी, कथन जो बोला गया है। निष्कर्ष देखते हैं क्या क्या बोले जा रहे हैं। सभी मैना पंख हैं, तो सभी के सभी मैना पंख हैं, तो भाई देखिए मैना किसके अंदर है, कबूतर के, कबूतर किसके अंदर है, पंख के, तो बिल्कुल सही है, सभी के सभी मैना पंख हो सकते हैं। अब ये वाली कंडीशन भी थोड़ा समझिए, जब कोई भी चीज़ बाहर वाली बोली जाती है और उसके अंदर से जितने भी वेन डायग्राम के अंदर आपका कंडीशन बोली जाए, मैना के अंदर भी कोई कुछ होता ना और उसको बोला जाता है कि वो सभी के सभी पंख हैं, तो वो भी सभी के सभी पंख हो सकते थे। तो सभी के सभी पंख सभी के सभी मैना पंख हो सकते हैं और सभी के सभी कबूतर भी पंख हो सकते हैं, तो ये वाली आपकी कंडीशन राइट हो जाएगी। नेक्स्ट बोला जा रहा है सभी पंख मैना है, तो सभी पंख मैना नहीं हो सकते हैं। देखिए पंख ये है और सभी के सभी पंख आपके मैना नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कब किस कंडीशन में होंगे, जब पंख के ऊपर को आपका मैना का एक वेन डायग्राम होगा, तो इस कंडीशन में आपके सभी के सभी पंख मैना हो सकते हैं, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाते होंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीरीज कंप्लीटेशन का। ठीक है, सीरीज आपको कंप्लीट करनी है और यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पे है 2B 4C 8E 14H, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखिए इसमें क्या चल रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो प्लस टू, ठीक है, प्लस फोर, प्लस सिक्स, प्लस एट, 14 में प्लस एट करेंगे कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो इस तरीके से क्या चल रहा है, प्लस टू प्लस सॉरी प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट, और यहाँ पे क्या चल रहा है, जैसे अल्फाबेट की बात की जाए तो प्लस वन प्लस टू, ठीक है, प्लस थ्री करेंगे तो H हो जाएगा, प्लस फोर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एल हो जाएगा ना, ठीक है, एच के बाद तो आई आता है, एल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22L आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इस तरीके की अगर सीरीज आपको देखने को मिलती है एग्जाम में तो आप उनको ईजिली कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोई एक नंबर जो सीरीज चल रही है, कोई एक नंबर इनमें से गलत मतलब मैनेज हो रखा है, जो सीरीज चल रही है वो नंबर फॉलो नहीं करता है, तो इनमें से कौन सा है। तो सीरीज सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी कि इस सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है, तो पैटर्न फाइंड आउट करिए तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको आप करिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। चलिए, तो देखिए आपकी कुछ इस तरीके से सीरीज रखी है, ये 144 132 125, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस चलेगा या फिर कुछ डिवाइड चलेगा, अगर डिवाइड कर दें तो बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज हो जाएगा, अगर माइनस करते हुए चलेंगे तो आपका थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज होगा, अगर कोई बड़ी संख्या डिक्रीज ना हो रही हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैंने माइनस करके देखा तो 12 माइनस करेंगे तो 132 आ रहा है आपका, फिर नेक्स्ट में अगर मैं माइनस करूँ तो -7 आ रहा है 125, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या माइनस चल रहा है। फिर मैंने एक और नंबर देखा ट्राई करके, फिर से आपका माइनस किया तो 12, माइनस किया तो 113 आ गया, तो अब कुछ समझ में आ रहा है। फिर दोबारा से मैंने माइनस करके देखा तो 105 आ गया, तो क्या समझ में आया, -12 -7 -12 -8, यानी कि एक एक बढ़ाते हुए जा रहे हैं 12 के बाद, फिर -12 करेंगे तो आपका 93, फिर नेक्स्ट आपका कितना होना चाहिए -9, तो -9 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 80 आपका है, आना चाहिए कितना 84, भाई 93 में से -9 करेंगे तो कितना आएगा 84 आएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये 80 हो जाएगा, और नेक्स्ट आप -12 करेंगे तो 72 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 80, यही आपका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 80 इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो में था इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया, और नहीं किया तो कर दीजिएगा, और आगे भी इसी तरीके की वीडियोस लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा PDF लेने के लिए, सभी PDF वहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट सभी को, एग्जाम देगा ये अच्छे से जितने भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, और आगे भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।